इटारसी में तो भाई फूड वेंडर्स का जो गुट है ना, पूरा पूरा गाड़ियों में चढ़ता है। यहाँ पे देखो आप लोग, ये सब ऑर्डर लेने के लिए चढ़ते हैं ट्रेन जब इटारसी घुस रही होती है। और लिटरली बता रहा हूँ, इनका जो खाना, इससे वर्स्ट क्वालिटी खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनसे सावधान नहीं रहे तो ऐसा खाना खा लोगे जिसकी ना शिकायत हो सकती है ना इसका टेस्ट का कोई गारंटी है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज हम लोग निकल रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ से बेंगलोर के लिए, लखनऊ यशवंतपुर वीकली एक्सप्रेस में, जो कि सप्ताह में केवल एक दिन चलती है। ट्रेन 6:40 शाम में लखनऊ से खुलेगी, लेकिन उससे पहले जल्दी चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म से खुलेगी और बाकी की बातें ट्रेन में चलकर करते हैं। इसका जो रूट है ना, वो बहुत ही कमाल का यार, रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज होते हुए इनफैक्ट प्रतापगढ़ भी आएगा इसमें। तो सभी स्टेशन हम लोग कवर करेंगे आज की जर्नी में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो भाई साहब, लखनऊ के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ चुके हैं और ट्रेन अभी यहाँ पे अपनी लगी नहीं है। 6:40 प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही जाएगी और यहाँ पे कोई और गाड़ी खड़ी है, शायद वो साबरमती एक्सप्रेस है जो कि अहमदाबाद के लिए निकल रही है। बाकी दूर मुझे वंदे भारत भी देखने को मिल रही है, पर वो गोरखपुर के लिए जाती है। और वंदे भारत का क्रेज़ मेरे अंदर तो ख़त्म हो चुका है। लखनऊ यशवंतपुर इसका जो रूट है थोड़ा यूनिक था, वाया प्रतापगढ़, प्रयागराज, जबलपुर, इटारसी होते हुए हम लोग बैंगलोर के अपने सफ़र को तय करेंगे। इसलिए मुझे ट्रेन में सफ़र करना था, तो वो चीज़ अपनी पूरी हो जाएगी। जब ट्रेन आती है तो उसके रेक इन्फॉर्मेशन से लेकर सभी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ और साथ साथ खाने पीने की क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आज मैं घर से लेकर के चला ही नहीं हूँ जानबूझ के, रूट का रिव्यू करेंगे। और यहाँ चल रहा है यात्रियों के धैर्य का परीक्षण, क्योंकि ट्रेन को अभी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगाया गया है। 6:40 का टाइम है पर ट्रेन यहाँ पर देखो अभी भी नहीं लगी है। सब लोग वेट कर रहे हैं भाई, कब लगाई जाएगी ट्रेन। अब तो यहाँ पे अपनी ट्रेन नंबर 22684 को 7:50 पे तो प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है। तो भाई, तो अपनी गाड़ी यहाँ पे आज की है, जनरल के कोचेस एकदम आगे तरफ, फिर 7 स्लीपर के कोचेस हैं और उसके बाद आपको एसी के कोचेस देखने को मिलेंगे। और भाई ये तो गाड़ी आ रही है यार्ड से, वहीं से लोग इसके जनरल में बैठ करके आए हैं। तो अगर आपको जनरल में इसके सफ़र करना है तो भाई आपको लगता है यार्ड से ही सफ़र करते हुए आना पड़ेगा। देखो जनरल में लोग वहीं से बैठ चुके हैं। भाई ट्रेन के अंदर तो आ चुके हैं अपने फेवरेट क्लास में, ऐसे 2 टियर में, साफ सुथरा है। चार्जिंग सॉकेट दिया गया है ऊपर के 2 पैसेंजर के लिए, नीचे वालों को भी उसी से काम चलाना, लेकिन ट्रेन साफ सुथरी है, मेन चीज़ ये। और साइड लोअर में ये एक्स्ट्रा सीट दी गई है, जैसे आप फोल्ड करके लगा लोगे तो ये गैप वाली सीट आपको नहीं पड़ेगी, जो कि कुछ ऐसी दिखेगी बाद में। तो भाई ये कुछ बदलाव है और ट्रेन साफ सुथरी है, इस चीज़ की तो मैं दाद दूंगा। बाकी चार्जिंग सॉकेट साइड लोअर वालों को भी मिला हुआ है। और आई कितने बजे ये देखो आप लोग, तो डीले जो है वो यहीं से बरकरार है। आप देखते हैं ट्रेन खुलेगी कब यहाँ से। पानी वानी की बोतलें रख ली जाएँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जर्नी के दौरान। तो यहाँ पे 7:05 पर अपनी ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से निकली है। ये ट्रेन जंक्शन से नहीं खुलती है, आपको स्टेशन में फल वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, फलों की सुविधा है पूरे स्टेशन में। और दूसरी तरफ नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है। काफ़ी डीले के साथ ट्रेन खुली, अब देखते हैं रास्ते भर में क्या हाल रहने वाला है ट्रेन का। तो देखो स्टेशन में फल वगैरह आपको आसानी से मिल जाएंगे, बाकी स्नैक्स वगैरह के लिए ये कुछ सुविधाएं अवेलेबल हैं। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप पैक्ड फूड पे ज़्यादा ध्यान दें। और बाहर आपको रेलवे का एक रेस्टोरेंट कार भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप बैठ के भी खाना खा सकते हैं। तो भाई अपने जो भी सब्सक्राइबर्स, फैमिली मेंबर्स लखनऊ से हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। और नवाबों के शहर से अपना जो डिपार्चर है हो चुका है यहाँ पे फाइनली, आखिरकार अपनी ट्रेन यहाँ से खुल गई यार। जिस हिसाब से ट्रेन को डिले किया जा रहा था लखनऊ की तरफ से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी खुलेगी गाड़ी।
तो भाई इस ट्रेन को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, ये है अपनी लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये भी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो इसका डिपार्चर टाइम तो मैंने नहीं देखा, पर सोचा आपको ट्रेन ज़रूर दिखा दूँ। क्या लाइट है इसकी, यहाँ तक पूरी चमक आ रही है। पान वगैरह प्रेफर नहीं करता हूँ नॉर्मली भी, पर आज लखनऊ से चल रहा था तो मोहित भाई के साथ एक जगह घूमने गया था, तो वहाँ से पान ले लिया तांबुलम पान कैफ़े से, जहाँ हम लोग नॉर्मली जाते हैं अगर सरदार जी के यहाँ चाप खाने, तो पान वगैरह में रहता है खा लेते हैं। चलो तो ये लखनऊ वालों के नाम आज का पान। कुछ ही समय में पहुँचेंगे रायबरेली, वहाँ आपसे मुलाकात करते हैं। इसे फिनिश कर लेता हूँ तब तक। भाई यहाँ पे 8:10 का अराइवल टाइम था रायबरेली जंक्शन में, और यहाँ ट्रेन अपनी पहुँच रही है 8:40 पे। जैसा कि आपको बताया था ना, आधे घंटे का डिले हुआ था और वो डिले अभी भी बरकरार है। यहाँ पे देखो रायबरेली में अपनी ट्रेन 5 मिनट रुकेगी, और जो लोग भाई रायबरेली से वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। पहली बार मैं इसे यूट्यूब पे अपने चैनल पे कवर कर रहा हूँ। यहाँ से आपको अमेठी के लिए लाइन मिल जाएगी, और साथ साथ आपको मिल जाएगी ऊँचा हार जंक्शन के लिए लाइन। तो भाई काफ़ी कमाल की जगह है। स्टेशन में आपको समोसे और पानी वानी सब कुछ मिल जाएगा। तो वैसे तो मैं स्टेशन में अगर समोसा वगैरह आजकल प्रेफर करता नहीं, फॉर जस्ट टेस्ट एक समोसा तो मैं लूँगा यहाँ। चिल्लाओ मत, आराम से चिल्लाओ। अब आ गए, सब आ गए। सब आ गए बस आराम से। भाई गाड़ी यहाँ पे अपनी रायबरेली जंक्शन से निकल रही है, देख लो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, और उत्तर प्रदेश का पहला नमक सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था। गाड़ी देखो यहाँ पे बढ़िया अपनी निकल रही है रायबरेली से। लोग यहाँ गाड़ी में, अगर लास्ट मिनट में गाड़ी में चढ़ने की कोशिश होगी तो भाई यही होता है, लोग एकदम रश करके लोग भागे चढ़े। लेकिन जैसे से चढ़ाया गया इनको, देखो ऐसे बच्चों के साथ और फैमिली को लेकर के रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। आजा बेटा, आराम से, तुम घबरा जाता रहे। इससे पहले कि आप में से कुछ लोग कमेंट करें कि सत्या भाई दूर से रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे, आपको मदद करनी चाहिए, मैं आपको बता दूं, एक भैया ऑलरेडी सामान और लोगों को खींच रहे थे। अगर मैं भी आगे चला जाता तो ना यहाँ पे जगह रहती किसी को खींचने की और ना सामान रखने की, इसलिए मैं आगे नहीं गया। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि भैया पीछे हट गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, ट्रेन में कॉफ़ी आ गई थी, कॉफ़ी बढ़िया मिली है, 20 रुपये के लोकल वेंडर लेकर के आए। ट्रेन में पैंट्री कार नहीं है, तो खाना पीना आप अपना लेकर के चलो, वरना आपको IRCTC से ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, वो आपको 250 रुपये के आसपास पड़ेगा, महंगा पड़ेगा प्रतापगढ़ तक। बाकी जबलपुर से सुबह सुबह इटारसी बैतूल इन सभी स्टेशन में ई कैटरिंग बढ़िया दामों में अवेलेबल है। तो हम तो भाई कल सुबह ट्राई करने वाले हैं। मैं तो कुछ नहीं खाने वाला, कॉफ़ी मिल गई इसका सेवन करूँगा, और इस जर्नी को आप मेरे साथ ऐसे ही इन्जॉय करूँगा। प्रतापगढ़ में आपसे मुलाकात करते हैं। ट्रेन देखो यहाँ पे स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि अभी हम लोग अमेठी जस्ट पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। 9:35 हो रहा है, अमेठी अब से कुछ ही समय हम लोग पहुँचेंगे। देखो अभी हम लोग अमेठी शहर से गुजर रहे हैं, अमेठी रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। हल्की हल्की जो ठंड और धुंध है ना, वो शुरू हो चुकी है ना, बस अब ठंड का इंतजार है बेसब्री से, कब एकदम फुल साइज में आएगी और तब ट्रेन जर्नी का जो मज़ा है वो बढ़ जाएगा। देखो बढ़िया लोग वहाँ पे चिल कर रहे हैं अपने अपने घरों के आगे बैठ के, और यहाँ अपनी ट्रेन जर्नी चल रही है आप लोगों के लिए।
बैक टू बैक ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स लेकर के आना ये आसान काम नहीं है, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। देखो अमेठी में भी भीड़ अच्छी खासी ट्रेन पर चढ़ने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेन का जो हॉल्ट है यहाँ पर 2 ही मिनट का रहने वाला है, तो आपके पास कम समय रहेगा तो यहाँ से चढ़ जाना। जिस एंड पे अपना कोच आता है ना काफ़ी पीछे तरफ, इसलिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है दिखाने या बताने के लिए। खाने पीने का रिव्यू भी नहीं कर सकते क्योंकि सब पीछे की ओर दिखता है, बस रेंज में कुछ नहीं होता है। तो डिपार्चर टाइम पर आपको दिखाऊंगा। वैसे आप लोग को बता दूं अमेठी में हनुमान मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, और आप लोग के लिए मेन चीज़ ये है कि गाड़ी जो है प्रतापगढ़ जंक्शन होते हुए जाती है। तो अगर आपको ई कैटरिंग से कुछ ऑर्डर करना है तो आपके पास ऑप्शन केवल राय बरेली और प्रतापगढ़ जंक्शन का रहेगा। अमेठी आपकी ई कैटरिंग में नहीं आता है, और प्रतापगढ़ के बाद इलाहाबाद तो आता है रात 12:30-12:40 के आसपास, तो वहाँ पर तो आपको खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। इस चीज़ का इस रूट पर ध्यान रखना। और पानी पिछले स्टेशन में मिला था, यहाँ तो वो भी नहीं दिख रहा है। बस कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान रखना अपने मन में अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो। तो हम ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं आपको अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस देने के लिए, ताकि जब आप ट्रैवल करें तो आपको कोई दिक्कत ना। बता दे कौन सा कोच नंबर बता दे, दिखा दे। मतलब इस गाड़ी में एकदम हड़बड़ी में ही चढ़ा हो पा रहा है, क्योंकि क्या है ना दिक्कत, डिस्प्ले नहीं है यहाँ पे किसी भी स्टेशन में, ना तो रायबरेली में ना तो अमेठी में, कहीं भी कोच डिस्प्ले नहीं दिया गया है भाई। इसलिए देखो यात्रियों को कितनी दिक्कत होती है, पूरा स्टेशन में कूदा फांदी मची हुई है। और अमेठी के स्टेशनों में देखो ये है रिफ्रेशमेंट टी स्टॉल। सबसे बड़ी गलती रेलवे की है, यहाँ पर कहीं भी कोच डिस्प्ले नंबर नहीं दिए गए, इसके कारण सभी जो मिस्टेक्स हैं ये यहाँ पे होती हैं। लोग हल्की हल्की धुंध जो है वो देखो शुरू हो गई छाना, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये देख के भाई डिस्प्ले की बहुत ज़रूरत है इन रूट्स में। देखो कोई कोच डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं है, और लखनऊ में भी इनफैक्ट यही दिक्कत हुई थी। माँ बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, देख लो भाई प्रतापगढ़ जंक्शन का भी नाम जो है वो बदला जा चुका है, और यहाँ भी डिस्प्ले बोर्ड नहीं है कोच को लेकर। अब ऐसे में अगर यात्री परेशान होंगे, भाग दौड़ के गिरेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। रेलवे ने यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, किराया तो बढ़ रहा है, किराए में बढ़ोतरी हो रही है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। एक ज़माने में डीजल ट्रेन का हब हुआ करता था, और अब यहाँ पे आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिफाइड रूट देखने को मिलेगा। प्रतापगढ़ जंक्शन हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर भाई। प्रतापगढ़ जंक्शन में ट्रेन तो पहुँची, पर वो जो दुख है ना वो मेरा कम नहीं हो रहा है यार। डिस्प्ले बोर्ड वगैरह इतने बड़े बड़े जंक्शन स्टेशंस में नहीं है। यहाँ से आपको सुल्तानपुर के लिए, जंघई के लिए, प्रयागराज के लिए, सब जगह के लिए मिल जाएंगी डायरेक्ट रूट, और उसके बाद भी इतना बड़ा जंक्शन होने के बाद भी यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिलेगा आपको। पानी और स्नैक्स की सुविधा तो अराइवल पे आप लोगों ने देखी, बाकी डिनर वगैरह का कोई भी स्टॉल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी भी। तो भाई लखनऊ से खा के चलना, रास्ते के भरोसे मत रहना। एक स्टॉल चलो आगे दिखा, देखते हैं वहाँ कुछ है क्या। अपनी जो ट्रेन है इसमें स्लीपर की संख्या भी 7 ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और AC भी ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा लगा दिया गया अभी 3 टीयर का, वरना इसमें टोटल 3 ही कोच हैं, और इसका हॉल जो है यहाँ पे 5 मिनट का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। बाकी खाने के नाम पे यहाँ पे एक स्टॉल है, इससे कुछ खाना लेते हैं और चलते हैं अपनी सीट पर, ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है। बाकी जो लोग प्रतापगढ़ से हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना प्रतापगढ़ किस लिए खास है। तो भाई यहाँ से मुझे एक बिरयानी मिल गई थी जिसका हम रिव्यू कर लेंगे अभी, कैसा है टेस्ट। ट्रेन भी अपनी निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और कितने बजे निकली आप तो देख ही रहे हो, 10:32 हो रहा है यहाँ पर। अच्छे खासे समय के लिए रुक गई थी ट्रेन यहाँ पर। मज़ा आया प्रतापगढ़ जंक्शन में, पहली बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, एक प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस चलती है, तो अगर आप लोग उस पर ब्लॉग देखना चाहते हो तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख करके मदद करो, अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर उसमें ब्लॉग दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयागराज और अयोध्या कैंट जाने के लिए यहीं से आप गाड़ी बदलिए, मतलब यहाँ से आप जा सकते हो अयोध्या कैंट के लिए। बहुत खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन लगा, और डीजल टाइम पे तो और भी खूबसूरत लगता होगा ये। बाकी प्रतापगढ़ से हम लोगों ने देखो बिरयानी ली है जो कि कुछ ऐसी है, इसमें स्पून नहीं है क्या? चलो अपने पास स्पून है वैसे, उससे इसे टेस्ट कर लेते हैं। पर देख लो भाई व्लॉगर्स लाइफ, रात के कितने बजे क्या क्या खाना पड़ता है। अब रात में क्या ही उम्मीद करते हो, तो कुछ ना कुछ मिल गया वही बड़ी बात है। नॉट बैड, काम तो चल ही जाएगा, बुरा नहीं है खाने लायक है। 80 रुपये में दिख गया है बिरयानी, चलेगा, बढ़िया खाना इसका, कुछ ना कुछ मिल जाए वही बड़ी बात है।
यहाँ पे ठीक ठाक राइस मिल गए, भुजिया अपने पास रहता है, कभी रोटी या पराठे मिल जाए तो वो आप इसके साथ खा सकते हो, वरना इसे राइस में मिला के भी खा सकते हो। आप इसे फिनिश करके सोएंगे, ठीक है, सुबह सुबह मुलाकात करेंगे जबलपुर के आसपास, क्योंकि वो सेक्शन अपने को कवर करना है। अभी रात में ट्रेन अपने प्रयागराज से मानिकपुर, जो अपना रूट ना सतना वाला कटनी ये सब होते हुए सुबह सुबह जबलपुर पहुँचाएगी, फिर पूरा सेक्शन रात में आएगा, कोई फ़ायदा नहीं, इसे एक बार दिन में और कवर करेंगे, पर अभी फिलहाल सोते हैं, सुबह जबलपुर या जहाँ से भी नींद खुलेगी सेक्शन को कवर करते हैं। फिलहाल के लिए गुड नाइट, मैं इसे फिनिश कर लेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम लोग अधरतल में हैं। याद है एक बार मैंने आपको एक वीडियो में पूछा था यार अधरतल है कहाँ पे जगह, तो भाई आज जवाब मेरे सामने और आप लोग के सामने, ऐसे एक्सप्लोर करके चीज़ें सीखते हैं। वैसे हमारी जो दिन की शुरुआत हुई है जबलपुर के पहले हुई है, जबलपुर हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी 6:40 हो रहा है, 6:20 का टाइम था आज का जबलपुर का। रात में प्रयागराज से ट्रेन पहुँच गई थी अराउंड 11:50 में, जग ही रहा था मतलब आधी नींद आधा जगह वाला जो हाल होता है, वहाँ से निकली है 1:30, तो जो डिले हुआ है मेन वहीं से हुआ है। वहाँ पे काफ़ी देर खड़ी रही, रिवर्सल हुआ, आप लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो, पर कल हम लोग जब डिपार्ट हुए थे लखनऊ से तो इस डायरेक्शन में हुए थे, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लोकोमोटिव हमसे बिल्कुल करीब हो गया और कल हम लोग एकदम आखिरी में थे। चलिए तो आज मज़ा आएगा इस जर्नी में, जबलपुर पहुँचते हैं, वहाँ आपसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन में। बाकी मैं तो भरपूर फ़ायदा उठाने वाला हूँ आज के इस रूट के ई कैटरिंग का, क्योंकि इस रूट पे ई कैटरिंग बहुत ही बढ़िया ढंग से अवेलेबल है। फाइनली जबलपुर हम लोग यहाँ पे 6:50 पहुँच चुके हैं, आधे घंटे का डिले पर इतना तो चलता है, मुझे लगता है इंडियन रेलवेज में आधे घंटे का डिले तो मतलब कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो भाई यहाँ पे देख लो जबलपुर में फाइनली पहुँच चुके हैं, यहाँ पे नमा का वेटिंग लाउंज भी है, 6:55 पे गाड़ी अपनी प्लेटफॉर्म में खड़ी हो चुकी है। जबलपुर का जो रेलवे स्टेशन है पूरा पैक है, मतलब देखो कहीं भी कोई जगह नहीं है, अगर आपको बैठना है तो बैठने की जो व्यवस्था है वो पूरी पूरी पैक है। अगर बात की जाए ना तो जबलपुर अपनी जलेबियों के लिए फेमस है, खोया जलेबी के लिए, और साथ ही साथ बेड़ा घाट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ से रूट्स की बात की जाए तो बहुत सारे जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आप डायरेक्टली बल्लार शाह के लिए बढ़ सकते हैं, आप लोगों ने वो रूट तो स्पेशल सुना ही होगा वाया नैनपुर वाला। सेकेंडली हम लोग जिस रूट से आ रहे हैं वो, और आप थोड़ा ही आगे जा करके अपनी चित्रकूट एक्सप्रेस वाले रूट को ले सकते हैं, और हम लोग इटारसी वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं, तो अब समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है जबलपुर रेलवे। जबलपुर से आप लोगों ने वैसे बहुत सारी ट्रेन के ब्लॉग देखे होंगे, वैसे जबलपुर यशवंतपुर के ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग पे ट्रेन चल रही है, तो मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस यहाँ से होने वाला है। पर हाँ, रूट्स के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, यहाँ से इटारसी तक के जो नज़ारे हैं वो तो हैं ही बहुत सुंदर। आपने अर्ली मॉर्निंग भी उसका अंदाज़ा लगा ही लिया होगा क्यों मैंने इस ट्रेन को चुना है। बाकी खाने पीने की बात करो तो स्टेशन में आपको सुबह सुबह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इडली वड़ा से लेकर डोसा से लेकर नॉर्मल आपके समोसे और पेटीज, ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाय वगैरह अवेलेबल है। मैंने तो ई कैटरिंग से खाना मंगाया था, वो मैं आपको दिखा दूंगा उसकी क्वालिटी कैसी है, टेस्ट कैसा है, वो सभी चीज़ें आप मेरे साथ एक्सपीरियंस करोगे। जबलपुर से डिपार्चर के बाद मिलते हैं, वैसे वैभव भाई की ज़रूर याद आएगी, क्योंकि वैभव भाई हमेशा जबलपुर फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते रहते हैं और मैसेज करते हैं कौन सी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कब अपग्रेड हुआ, किस में हुआ, क्या हाल है सब। ट्रेन में अपने पानी वाली भी यहाँ पे भर दिया गया। बाकी जबलपुर से भी देखो हम लोग टाइम से निकल गए हैं, और यहाँ पे देखो जहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है इसका बहुत फ़ायदा मिलता है कि ट्रेन नंबर क्या है, कौन सा कोच यहाँ पे रहने वाला है, तो लोगों को दिक्कत नहीं होती, हड़बड़ी नहीं होती। अब छोटे छोटे स्टेशन जहाँ पे समझ लो ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, वैसे स्टेशनों में कुछ भी डिटेल नहीं दी होती है, तो ऐसे में जा करके दिक्कतें होती है, जो रात में आप लोगों ने देखा ना, लोग बच्चा फेंक रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, खुद गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, तो ये सभी दिक्कतें वैसे स्टेशन में आती हैं। तो भाई रेलवे को ध्यान देना पड़ेगा, स्टॉप जिस स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों का दे रहे हो जिनका या तो कम देर का हॉल्ट है, ऊपर से कोच डिस्प्ले भी नहीं, छोटे छोटे स्टेशनों में तो ज़रूर से ही होना चाहिए ट्रेन का हॉल्ट।
और अगर हॉल्ट लंबा नहीं है तो डिस्प्ले वगैरह हो, हर चीज़ हो, या तो अनाउंसमेंट के तरीके से उन्हें बताया जाए कि जनरल के कोच कहाँ हैं, स्लीपर के कोच कहाँ हैं और एसी के संख्या कोच नंबर कहाँ है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोच लगा हुआ है तब तो और बड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में बी एक्स वन क्या है। यहाँ पे अपनी एम्बुलेंस एक्सप्रेस आके खड़ी हुई है, कौन सी है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। उसकी भी जर्नी हम लोगों ने लास्ट ईयर कवर की थी। यहाँ पे देख लो एकदम गरम गरम ठेपले हैं, साथ में यहाँ पे उपमा है और इसमें छोले भी हैं। तब ये खाना मैंने मंगा लिया था क्योंकि ट्रेन का जो अगला बड़ा हॉल्ट है वो 10:40 के आसपास इटारसी और थोड़ा डिले भी है, तो मुझे लगा था 11 पार हो जाएगा और फिर मैंने पैंट्री का नहीं, इसलिए मैंने पहले ही सेफ्टी के लिए ऑर्डर कर लिया। अभी इतनी सुबह 7 बजे खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, इसे अभी तो नहीं खाएंगे लेकिन जब खाएंगे तब आपको रिव्यू करके बताएंगे। रेलवे ने तो गर्म सर्व किया है, अब वो मेरी जिम्मेदारी है मैं इसे ठंडा खाऊं या कैसे भी खाऊं। तो भाई इसमें रेलवे कोई गलती नहीं, खाना बिल्कुल गर्म सर्व हुआ। मतलब ये देख लीजिए छोटा सा स्टेशन है नरसिंहपुर, लेकिन यहाँ पे भी डिस्प्ले वगैरह दिया गया है ताकि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो, तो सभी चीज़ें आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो नरसिंहपुर में नरसिंह भगवान का एक मंदिर भी है जो इसे काफ़ी प्रसिद्ध बनाता है और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश का सोयाबीन कैपिटल भी कहलाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सोया का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। काली मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा बहुतायत में पाई जाती है, इसलिए जो भी आपको खेती वगैरह काम कर रहे हैं ना वो काफ़ी आसानी से जाते हैं, मतलब इस मिट्टी को माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ये खेती में सहायक होती है। तो वैसे आप लोगों को बता दूं जो लोग नरसिंहपुर से हो ना कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, क्योंकि मैंने एक बार इसे और कवर किया था, वो कौन सी ट्रेन थी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है भाई कि नरसिंहपुर से क्या आप पंचमढ़ी जा सकते हो, तो नहीं, उसके लिए आपको पिपरिया रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा जो कि हमारी ट्रेन का अगला हॉल्ट होने वाला है। बाकी खाने पीने के लिए यहाँ से लोकल वेंडर्स को मैंने ट्रेन में चढ़ते हुए देखा है, चाय वगैरह भी ट्रेन में चढ़ी है। अब थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है, अपना नाश्ता हम कर सकते हैं। 7:43 का यहाँ पर अराइवल टाइम था पर 8:20 में यहाँ पर पहुँचे और 2 मिनट का अपना हॉल टाइम यहाँ पे रहने वाला है और धूप जो है अच्छी खासी आ चुकी है यहाँ पे। अब गाड़ी यहाँ पे नरसिंहपुर से निकल रही है और अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो अपना ब्रेकफास्ट है ना अब इसे निपटा लिया जाए। तो खाने में देख लो उपमा कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, साथ में एक सब्जी भी है और यहाँ पे ठेपले आए हुए हैं, भाई इनको टेस्ट करते हैं देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। रही बात फूड रिव्यू की ना, तो सब्जी और ये ठेपला भाई बहुत ही गजब बना, मतलब 10/20 रेटिंग लाइक बना हुआ है। गर्म खाता शायद पागल हो जाता। बाकी उपमा भी बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप लोग देखो मूंगफली वगैरह पड़ी हुई है ना, इसका जो टेस्ट वो एनहेंस हो रहा है। मेन चीज़ ये सब्जी अगर इसमें आप लगा लोगे उपमा का तो और ही मज़ा आ जाएगा। सारे टेस्ट बट खुल गए इतने अच्छे स्वाद से।
इसे फिनिश करते हैं। इटारसी में भी मैंने नीलम से ऑर्डर किया है, आज पूरा ई केटरिंग से खाना होने वाला है। कोशिश करूँगा कि ट्रेन का कुछ ना ही लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, शायद अगर मिल तो वो ले लेंगे। ओवरऑल खाना पीना तो बढ़िया मिल रहा है सूट में, इस ट्रेन से आप ट्रैवल करोगे तो दिक्कत तो कुछ नहीं होने वाली आपको। चाय तो आपको देखने में लग रही होगी ना कि बहुत अच्छी होगी, गाड़ी गाड़ी सी अजीब सी। पर सच बात बोलूँ, मैंने भी जब अपने साइड पैसेंजर को देखा इस चाय को पीते, सच बात बोलूँ जब मैंने अपने साइड पैसेंजर को देखा कि चाय पीते तो मुझे भी लगा यार दूध की चाय है बढ़िया, गाढ़ी चाय ले लेते हैं। और मैंने इसे टेस्ट किया, भयंकर मीठी और अजीब सा टेस्ट है भाई। इस ट्रेन में साइड से जो लोग वेंडर्स आ रहे हैं उनका खाना तो यार बिल्कुल ट्रस्टेबल है ही नहीं, और चाय भी ट्रस्टेबल नहीं है। तो भाई उसे ट्राई मत करना, कोई ज़रूरत नहीं चाय पीने की, बिना चाय के भी बढ़िया काम चल जाएगा। का टाइम था और यहाँ पे 9:45 पहुँचने पिपरिया, और यहीं पे आपको उतरना पड़ेगा अगर आपको पंचमढ़ी जाना है तो। वंदे भारत से जब ट्रैवल कर रहा था ना तो यहाँ उतर भी नहीं पाया था, 2 मिनट का हॉल्ट टाइम होता है, दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं, बहुत दिक्कत होती है। बाकी स्टेशन खूबसूरत बना है, सारी ट्रेनें लगभग रात में यहाँ पे पहुँचती हैं जो रुकती हैं। मैं आपको बता दूँ पंचमढ़ी जाने वाली मेन ट्रेनें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको स्पेस तो मिल जाएगा लेटने बैठने का, अपने साथ कुछ चादर कोई ऐसी लेके आना जिसे आप बिछा के बैठ पाओ, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे ठंड पे और गर्मियों में भी रात में वेट करने में ट्रेन का। देख लो स्टेशन कितना बढ़िया बना, गाड़ी गाड़ी अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद निकली है पिपरिया स्टेशन से। और देख लो वैसे आप स्टेशन देख लो, पहले डिपार्चर हो रहा है, यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चाय लिया था यार स्टेशन पर, ये भी बकवास मिली, अब बोलो क्या करें, इतना बर्बादी करने का मन नहीं करता। पर एक सलाह दूंगा, कभी अगर आप चाय वगैरह फेंक रहे हो या कोई भी लिक्विड सामान फेंकना चाहते हो तो अगर ट्रेन रुकी है तो खाने के सामान को नीचे डाल देना और प्लास्टिक की ट्रे को यहाँ डस्टबिन में, ऐसे सेम चीज़ चाय को यहाँ सिंक में और कप को यहाँ पे, ठीक है। तो इससे जो पर्यावरण को जो नुकसान पहुँचता है ना उसे आप बचा सकते हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। प्लस मेरी तरफ से बस ये रिक्वेस्ट है, इस चीज़ का ध्यान आप हमेशा जर्नी के दौरान रखो, अपने साथ एक पेपर बैग कैरी करो या प्लास्टिक भी कैरी करो, प्लास्टिक बैग डिस्पोजेबल उसे कैरी करो, सारा कूड़ा यात्रा भर का उसमें रखो और एक साथ किसी स्टेशन में फेंक दो, बड़े स्टेशन में, छोटे स्टेशन में भी नहीं, वो भी ज़्यादा डिस्पोज अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसी कुछ चीज़ें अगर हम लोग डेली लाइफ में फॉलो करेंगे ना तो हमारी इंडियन रेलवेज और नेचर दोनों में ही अच्छा खासा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। Thank you.
इटारसी में तो भाई फूड वेंडर्स का जो गुट है ना पूरा पूरा गाड़ियों में चढ़ता है। यहाँ पे देखो आप लोग सब ऑर्डर लेने के लिए चढ़ते हैं ट्रेन जब इटारसी घुस रही होती है। और लिटरली बता रहा हूँ इनका जो खाना इससे वर्स्ट क्वालिटी खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनसे सावधान नहीं रहे तो ऐसा खाना खा लोगे जिसकी ना शिकायत हो सकती है ना इसका टेस्ट का कोई गारंटी है ना उसमें क्या पड़ा है उसकी कोई गारंटी। भाई इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, इन फूड वेंडर से तो नहीं लेना आपको ऑर्डर। वहाँ पे नागपुर वंदे भारत मुझे एंटर कर भारत तो गई सामने और यहाँ पे है पुणे दानापुर। अभी हम लोग इटारसी जंक्शन पहुंच रहे हैं तो जो अपनी रानी कमलापति नागपुर वंदे भारत हो गई है ना वो निकल रही है। वो वंदे भारत जो अपनी चलती थी केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। इंदौर भोपाल वंदे भारत आप बन गई है और नागपुर वंदे भारत वो निकल रही थी वहाँ पे और यहाँ पे दानापुर एक्सप्रेस के साथ भी अपनी क्रॉसिंग हुई है। वहाँ पे सामने से आ रही है दिल्ली झांसी भोपाल लाइन, उसे आप इंदौर भोपाल इटारसी लाइन भी कह सकते हो। सामने आपको हनुमान मंदिर भी दिख रहा होगा और इसी के साथ हमारी ट्रेन जो है वो इटारसी रेलवे स्टेशन में सुबह 10:35 यानी 10:35 AM पहुँच रही है। गंदगी देखो कितनी फैली हुई है इटारसी रेलवे स्टेशन में दोनों तरफ, काफ़ी बुरा हाल है। एक इम्पॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है ये, उसके बाद भी यहाँ का जो हाल है काफ़ी बुरा है। वंदे भारत की जो टेल लाइट है वो अभी आपको दिख रही होगी, सामने है वंदे भारत एक्सप्रेस, वहाँ पे इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। इटारसी के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आज हमको लिया गया है। वेलकम टू इटारसी जंक्शन। आप लोगों को बता दूं यहाँ डीले हम लोग का थोड़ा बहुत ही हुआ है। हाँ वैसे वो जो नागपुर के लिए वंदे भारत एक्सटेंड हुए ना उससे बहुत फ़ायदा होगा। भोपाल और नागपुर के बीच में 13 रफ्तार राजधानी वगैरह तो चल रही है पर एक डेडिकेटेड ट्रेन की जरूरत थी जो कि अब मिल चुकी है। वैसे वो वंदे भारत पूरी खाली जा रही थी तो अच्छा ही किया उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी नीलम की थाली अपनी आज के यहाँ पे उसका भी रिव्यू करेंगे, बढ़िया है। लंच तक में कुछ नया रिव्यू करने के लिए हो गया, बाकी फिलहाल यहाँ पे आप देख लो इटारसी जंक्शन में आपको ऑमलेट वगैरह फ्राइड राइस इडली सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट फल भी अवेलेबल है तो खाने पीने की कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। जंक्शन क्यों है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ से एक और चीज़ है कि मुंबई लाइन जो है वो अलग होती है, भुसावल जलगांव खंडवा वाली जो लाइन है अपनी जो अलग निकलती है वही आगे अहमदाबाद की तरफ भी जाती है, तो वो जो लाइन है वो यहीं से अलग होती है। और हम लोग बढ़ जाएंगे साउथ वाली लाइन की ओर जो कि चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद इन सभी रूट्स के लिए अलग होती है। हमारी ट्रेन तो जा ही रही है बैंगलोर तो समझ गए होंगे आप भी आप लोग रूट की डिटेल्स। बाकी फूड स्कैम के बारे में आप लोगों को मैंने बताया ना, ऑनलाइन ऑर्डर करो IRCTC की कैटरिंग से, ये आपके जो रेल मित्रा रेल रेस्टो इस टाइप के जो ऊटपटांग के ऐप हैं इनका यूज़ मत करना। इंडियन रेलवेज IRCTC की जो इकलौती वेबसाइट है उसका यूज़ करो, उससे खाना पीना बढ़िया आप ऑर्डर कर सकते हो। और जहाँ पे आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया पहली बार तो खाना आपको अच्छा मिलेगा। उसी चीज़ अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है खाना मान लो डिलीवर नहीं हो पाया ऐसा कोई रेयरेस्ट केस वाली कोई चीज़ होती है ना तो उसकी आप एटलीस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। बड़ी बात यह कि ट्रेन में साइड पेंट्री में भी पानी जो है एकदम लोकल ही चढ़ रहा था तो
रियल नीर के लिए अपने को IRCTC में लेना पड़ा, पानी मिल जाएगा खैर, पर आपको अगर रियल नीर का चाहिए तो आपको भाई स्टेशन से लेना पड़ेगा, ये एक बड़ी दिक्कत है इसमें। चलो इसको अपनी सीट में रख देते हैं, डिपार्चर क्योंकि होने वाला है। हमारी जो ट्रेन है क्योंकि नाम की सुपर फास्ट है और मतलब इसको हर जगह इतना इतना टाइम दिया गया है ना कि गाड़ी चाहे तो कल सुबह 6 बजे तक बैंगलोर पहुंच सकती है पर दोपहर 1:30-2 बजे तक पहुंचेगी। बाकी यहाँ पे देख लो भगत की उठी मनारगुड़ी जो हमारे बाद आई थी वो हमसे पहले यहाँ पे निकल भी रही है। हम कब तक जाएंगे वो आपको मैं अपडेट देता हूँ, वीडियो देखिए पूरा एंड तक। भगत की कोठी मनारगुड़ी को निकाल भी दिया गया है यहाँ से अभी। बाकी 11:05 बजे देखो अपनी ट्रेन इटारसी जंक्शन से निकल रही है। खाने पीने के लिए कोई दिक्कत होगी नहीं आपको यहाँ पे, फल फूल से लेकर इडली वड़ा सांभर वड़ा पाव ऑमलेट बिरयानी सब कुछ इतने बजे तक आपको सब मिल जाएगा। स्टेशन काफ़ी एक्टिव है खाने पीने के मामले में। बता ही रहा था मुंबई लाइन यहाँ से अलग होती है और देख लो मुंबई लाइन से LTT बनारस एक्सप्रेस यहाँ पे आती है 8:00 पूरी AC एक्सप्रेस होती है। A4 तक इसमें तो मुझे केवल 2 tier देखने को मिले और साथ में यहाँ पर भी 3 tier की जो संख्या है वो चलती चली जा रही है। B9 तक ट्रेन में इसी 3 tier है और स्लीपर हो चुका है जनरल। अब यहाँ पर जनरल के ऊपर के जो कोचेज हैं वो आगे तरफ हैं, एक या दो कोचेज ही रहे होंगे, मेरा ध्यान नहीं गया शुरू में, मुझे वो जनरल ही लगा था। इटारसी जंक्शन में फैला हुआ ये कूड़ा और इसका जिम्मेदार कौन है भाई? मुंबई लाइन तो खैर यहाँ पे अलग हो गई हमसे, बट वही आपको दिखाना था यहाँ का हाल। यहाँ पे थोड़ा घाट सेक्शन जैसा चल रहा है और आपको मैं दिखा देता हूँ खाना हमारा क्या आया नीलम का। तो टेप से थोड़ी पैक थी इसे मैंने टेप पहले हटा दिया और बाकी थाली कुछ यहाँ पे ऐसी आती है, इसके अंदर क्या है वो देखना है। बाकी ट्रेन यहाँ पे देखो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा से चल रही है और नज़ारे बाहर बढ़िया हैं और साथ में यहाँ पे नीलम का खाना भी देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो यहाँ पे सब्ज़ी है, दाल है, एक रसगुल्ला है सॉरी गुलाब जामुन और यहाँ पे थोड़े पापड़, आलू की सब्ज़ी, रायता, सलाद, अचार सब कुछ है। आप देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। मेन चीज़ तो बताने ही भूल गया कि रोटियों में घी लगा हुआ है और लगभग आपको यहाँ पे 4 रोटियाँ मिल जाती हैं, साथ में सौंफ है थोड़ी सी, माउथ फ्रेशनर और सॉल्ट वगैरह भी है, टिश्यू भी है। टेस्ट देखते हैं पहले किस चीज़ का, पहले दाल का देखते हैं। इसको तो देख के ही भूख लग गई। प्याज का तड़का पड़ा हुआ है, मिर्चा भी बढ़िया पड़ा हुआ है। आप आलू की सब्जी ड्राई वाली देख लें कैसी है। वैसे मेरे को आलू सब्जी चावल के साथ पसंद है प्लेन, मतलब आप लोगों को पसंद है कौन तो कमेंट सेक्शन में लिख कर ही बताओ। इटारसी मतलब नीलम का खाना, मेरा फेवरेट बूंदी रहता भी आज तो थोड़ा मीठा सा बना यार, मुझे मसालेदार तीखा सा पसंद है, मीठा बूंदी का रहता नहीं पसंद। साथ में कोई सब्जी है यहाँ पे, कैप्सिकम ग्रेवी है कोई, ये भी काफ़ी बढ़िया है यार। अगर मुझसे रेटिंग पूछोगे ना तो टॉप पे रहेगी दाल और फिर ये और फिर ये, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट रहा है। रायता थोड़ा मीठा सा है, बाकी चावल की क्वालिटी भी अच्छी है, नींबू भी अच्छा, खाना बढ़िया ओवरऑल, रिकमेंडेड आपके लिए। मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये खाना अवेलेबल है तो आपको और कुछ लेने की ज़रूरत है। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, एक रुपये भी नहीं लिया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। लिटरली मैं चाहता हूँ कि आप तक बेस्ट खाना पहुँचे, बेस्ट पॉसिबल खाना पहुँचे, ये बेस्ट रहेगा। कभी ट्रैवल करो तो ट्राई ज़रूर करना, किसी भी ट्रेन में ट्रैवल करो नीलम का खाना ऑर्डर करना IRCTC की वेबसाइट से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से अपना पीना डाल के ऑर्डर करना, लेकिन एक्चुअली में आपको वर्थ इट खाना मिलेगा।
फिलहाल ये जर्नी काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जर्नी काफ़ी रोमांचक रही है। इसके बाद हम लोगों ने नागपुर, मल्हारशाह, हैदराबाद के रास्ते बैंगलोर तक के अपने सफ़र को तय किया था, जहाँ पर साउथ इंडियन चीज़ों को ट्राई करने से लेकर और भी बहुत सारी मौज मस्ती शामिल है और खूबसूरत नज़ारे भी। तो मिलूंगा इस जर्नी के अगले पार्ट के साथ आप लोगों से, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए और ऐसे एक्सपीरियंस को एंजॉय करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।